श्रद्धांजलि, राहुल बोले एकता और शांति उनके लिए अहम रहे। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 11,271 नए केस आए सामने, 28 लोगों की मौत। आज ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बीच खिताबी मुकाबला, अभी तक एक भी टी20 वर्ल्ड कप नहीं जीते कंगारू। बिहार के मधुबनी में पत्रकार की हत्या, जले हालत में मिले सड़क किनारे शव। चिराग पासवान ने पीएम मोदी की तारीफ की, बोले उनमें पिता रामविलास की तरह अपनत्व का जज्बा। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ शिखा भैरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड बुलेटिन की। टिहरी में एसएसपी ने तृप्ति भट्ट ने तपोवन मुनिकिरेती इलाके में जनसुनवाई की। इस जनसुनवाई में लोगों ने अधिकारी के सामने अपनी परेशानियों को बताया और अधिकारियों ने लोगों की समस्या का हल निकालने की बात भी कही। लोगों ने कहा कि कहीं पर पार्किंग की तो कहीं पर जाम की समस्या, राफ्टिंग के संबंधित कई समस्या, होटल वालों को तो व्यापारियों को बहुत समस्या थी जिसका बहुत जल्द निवारण करने का आश्वासन भी दिया गया। सभी समस्या का जल्द से जल्द हल निकालने की कोशिश की जाएगी। और इसी के साथ लोगों ने यह भी कहा कि आवारा पशुओं ने भी लोगों को काफी परेशान करके रखा है, तो इन तमाम शिकायतों पर जल्द ही सुनवाई और इनका निस्तारण करने का आश्वासन दिया गया है। क्षेत्र में जनसंवाद कार्यक्रम रखा गया था जिसमें काफी अच्छी भूमिका जनता के द्वारा निभाई गई। आवारा पशुओं के समस्या के समाधान के लिए लगभग 2 बीघा जमीन भी दान दी गई। इसके अतिरिक्त जो हमारे ट्रैफिक संबंधी इश्यूज हैं, ट्रैफिक प्लान्स हैं, ड्रग्स की रिकवरी जो लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है उसकी सराहना पब्लिक के द्वारा की गई, और ट्रैफिक और पार्किंग संबंधी जो इश्यूज हैं उसमें काफी बृहद डिस्कशन। जमीन मैंने की दान दी है, अभी जिसकी मैंने घोषणा करी है, पर उसका जो बाउंड्री वाल होना, उसका जो टीन साइड बनना, वो हमारे जिलाधिकारी जो भी सक्षम अधिकारी उसे करें, बाकी हमारे पूरा सहयोग रहेगा। जितने आवारा पशु तपोवन लक्ष्मण झूला राम झूला में है सभी वहाँ जाना चाहिए, उसका हम बहुत सहयोग करेंगे। उसके अलावा डॉक्टर भी हमारे पास है। लक्सर में छठ पूजा के दौरान गाड़ी की चपेट में आने से 2 भाई बहन गंभीर रूप से घायल हो गए थे। भाई ने तो मौके पर ही दम तोड़ दिया था। बहन 2 दिन तक हायर सेंटर में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही, लेकिन वो जिंदगी के लिए लड़ रही इस जंग को हार गई। एक ही परिवार के 2 बच्चों की दर्दनाक मौत ने लक्सर के व्यापारियों को झकझोर कर रख दिया है। लंबे समय से चली आ रही अंडर पास की मांग को पूरा करवाने के लिए लक्सर व्यापारी अब भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। इन व्यापारियों का कहना है कि जब तक पास की मांग पूरी नहीं होती, इसका निर्माण कार्य शुरू नहीं होगा, भूख हड़ताल जारी रहेगी। इसके लिए चाहे उन्हें अपने प्राण देने के लिए कुछ भी करना पड़े, वो धरना प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे जब तक अंडरपास का निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जाएगा। भाई, भूख हड़ताल कब तक चलेगी, इसका तो शासन प्रशासन को ही पता है कि वो कब काम शुरू करेंगे। भूख हड़ताल तो जब ही खत्म होगी जब यहाँ अंडरपास का काम शुरू होगा। ये आप समस्त मीडिया मेरे सामने हो, मीडिया के माध्यम से SDM को, कितने SDM आके यहाँ से जा चुके, कितने DRM वहाँ से बदले जा चुके, आप सबके सामने हमने अंडरपास की मांग कितने सालों से लगा रखी है और रोज़ाना कोई ना कोई हादसा बना रहता है। और आज हाल ही में परसों हमारे यहाँ इतना बड़ा हादसा हुआ, वो हादसा इतना दयनीय था कि हम सबकी आत्मा को झकझोर कर रख दिया और हम मजबूर हो गए इस अंडरपास की मांग को। जब तक अंडरपास नहीं, अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है और आपने अभी तक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज नहीं कराया है तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम है। दरअसल उत्तराखंड सरकार ने मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के लिए 14, 27 और 28 नवंबर को अपने अपने बूथ स्तर पर विशेष शिविर लगाने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में तहसील प्रशासन की तरफ से वोटरों को जागरूक करने के लिए एक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें ऋषिकेश विधानसभा क्षेत्र में काम करने वाली सभी BLO में हिस्सा लिया और साथ ही बैनर और जागरूक करने वाले स्लोगन मोटरों को निर्धारित तिथि पर अपने अपने बूथ पर पहुंचाने की अपील की गई है। रैली जो निकाली गई वो इसलिए निकाली गई कि मतलब जो हमारे मतदाता हैं अभी भी कुछ जागरूक नहीं है, तो ये रैली का यही मतलब है कि सभी लोग रैली निकाल अपना मत दें, और जो 18 वर्ष के हो चुके हैं जगह जगह बूथ बनाए गए हैं उसमें जाके अपना, हमारी वर्कर भी है उसमें, अपना जो है नाम
दर्ज कराए। कार्यक्रम के अंतर्गत हम लोगों ने मतदाताओं को जागरूक करने के लिए 24 विधानसभा क्षेत्र ऋषिकेश के अंतर्गत ये रैली आयोजित की है, और साथ ही मैं ये अपील करना चाहूँगी कि अभी हमारा 13-14 को और 27-28 को विशेष शिविर है, जिसमें BLO पूर्ण समय अपने बूथ पर उपस्थित रहेंगे, तो अधिक से अधिक मतदाता वहाँ पहुँच। जिलाधिकारी के निर्देशों के बाद उप जिलाधिकारी मसूरी ने मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए BLO को निर्देश दिए हैं और बूथों का निरीक्षण करके खामियों को दूर करने के निर्देश भी अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका परिषद को दिए गए। साथ ही पूरे जिले में 13 से 14 नवंबर और 27-28 नवंबर को जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। हमें ये देखना है कि प्रत्येक 2 घंटे में कितने मतदाता जो हैं, जो नए मतदाता जिनको जुड़ना है, वो हमारे बूथ पर विजिट कर रहे हैं, और हमारे BLOs के लेवल से कितना वो उनके द्वारा कितना प्रयास किया जा रहा है ये देखा जा रहा है। इसके साथ साथ जो बूथ लेवल हैं, सभी सुपरवाइजर को दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो अपने प्रत्येक बूथ को जो है विजिट करेंगे। जो जैसे मैं ERO हूँ, मैं अपने अधीन जितने भी हमारे विधानसभा क्षेत्र हैं उन सभी क्षेत्रों का जो है भ्रमण पर रहूँगा। इसके अतिरिक्त जो BLOs हैं वो 2 घंटे में अपडेट, जैसा मैंने आपको कहा कि 18 वर्ष के कितने लोग उन्होंने जोड़ा, फिर महिलाओं को कितने जोड़ा, तो इन सभी का जो है एक जो रिपोर्टिंग है वो लगातार चलती रहेगी। और जैसा गाइडलाइंस में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के कि हर बूथ पे एक मिनिमम फैसिलिटी होनी चाहिए। चमोली के GIC नारायण बगड़ के खेल मैदान में क्षेत्रीय युवा कल्याण विभाग ने खेल प्रतिभाओं के लिए आयोजित हुए खेल महाकुंभ का समापन किया। इस दौरान मुख्य अतिथि ने खेल के विजेताओं को मेडल और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। नीरी जी, अपने प्रशासनिक कुशल अधिकारी, हमारे सम्मानित खंड विकास अधिकारी जो उसके अध्यक्ष हैं, और युवा कल्याण अधिकारी श्री रावत जी, जो उनके निर्देश मेरे को मिले, जो मैंने इधर उधर से विभागीय मेरे को अनुभव था, उस अनुभव के आधार पर मैंने यहाँ पर बहुत कम समय में और बहुत कम धनराशि जो शासन द्वारा उपलब्ध। उधम सिंह नगर के नानक मत्ता में नर्सरी फार्म चला रहे एक व्यक्ति ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यक्ति का कहना है कि वो पर्यावरण के क्षेत्र में और पौधे बेचने का काम बीते 30 सालों से सरकारी भूमि को लीज पर लेकर कर रहे हैं। अब उन्हें बिना कोई नोटिस दिए सिंचाई विभाग और प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। वही पौधे को हटाए जाने पर व्यक्ति ने कहा कि उसे अब तक 50,000 का नुकसान हो चुका है, और ये मामला न्यायालय में भी चला आ रहा है, जबकि इस मामले पर प्रशासन का कहना है कि इस जगह को किसी दूसरे ने लीज पर लिया है, इसलिए उनके स्टे ऑर्डर पर इसको खाली कराया जा रहा है। अधिकारी सिंचाई विभाग के HDO आए थे, मेरे पास कोर्ट का आदेश है और आप इसको पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद से जो करना होगा कीजिए। कह रहे हैं कि हम किसी की बात नहीं मानते हैं, कोर्ट की भी नहीं मानते हैं, हम कह रहे हैं कि हटाओ तो हटेगा। मेरा सामान रोड पे फेंके हैं, लेकिन हमारे बीवी बच्चे वहाँ बैठे हुए हैं, हम 30 साल से वहाँ। पहाड़ों में प्रधानमंत्री के सपनों की सड़कें किस कदर बन रही हैं, इसकी वानगी देखनी तो चलिए जाइए पिंडरी घाट के नारायण बगड़ प्रखंड में। अभी गांव में जोड़ने वाली नवनिर्मित और निर्माणाधीन मींग गधेरा डांगतोली मोटर मार्ग की यहां पर निर्माण कार्य चल रहा है। इस निर्माण कार्य को लेकर जानकारी दी जा रही है और आरोप भी लगाया जा रहा है कि जगह जगह सड़कें धस रही हैं, लोगों के खेत खलिहान, रास्ते, पेयजल, आवासीय मकान इस सड़क के घटिया निर्माण के कारण ध्वस्त हो रहे हैं, और सरकारी धन को किस कदर बर्बाद किया जा रहा है। सड़क निर्माण की गुणवत्ता को ताक पर रखा गया है, ये साफ जाहिर हो रहा है। किस तरह से सड़क के निर्माण में लापरवाही की जा रही है, ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि संस्थान निर्माणदायी संस्थाओं के घटिया निर्माण को छिपाने के कारण भूगर्भीय आपदा का बहाना बन गया है। सर, इस समय अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हम लोग पूरे परिवार, 2 परिवार हम लोग यहाँ पर रहते थे, मैं और मेरा छोटा भाई का पूरा परिवार यहाँ पर पहले से ही अवस्थित था, और 17-18 की अतिवृष्टि के कारण हम लोग पूरा परिवार ही अस्त व्यस्त हो गया है। हम लोग ना हमारे पास खाने के लिए कुछ बचा हुआ सारा चीज, राशन पानी जो भी था मलबे के अंदर दब गया है। ये अनियमितताएं हैं जिसमें कि ये तो ये मतलब जो पहले की सर्वे उसमें निहार की, इनने मनमाने अपने हिसाब से कटवा रखे, जिसमें ऐसा है कि हमारे मेरे यहाँ पर बगीचा भी था,
जिसमें 60 पौध कटिंग कर चुकी है, उसका मैंने विभाग को दिया, अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला। अभी भी मेरे खेत सारे ऊपर से नीचे आ गए हैं, जिसमें भी अभी खेत। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।